तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल की कोर्स पे। तो सबसे पहले एडवांस एक्सेल की कोर्स करने से पहले इस चीज को जान लेते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है, एडवांस एक्सेल होता क्या है, राइट सर? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया हुआ है कि ये फीचर एडवांस है, ये फीचर बेसिक है। एडवांस और बेसिक हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट सर? अब एग्जांपल के लिए हम कुछ एग्जांपल आपको दे सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ मोड का फॉर्मूला लगाता हूँ, सिंपल सा मोड का फॉर्मूला है। तो मोड का फॉर्मूला क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। जानते हैं रिमाइंडर से शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर सर, रिमाइंडर निकालता है। इसमें आपको 14 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा ना? हाँ। तो मोड का काम यही है। तो अब आपने जान लिया कि मोड करता क्या है, लेकिन आप इसको जानने से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। इसका यूज हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है, राइट? टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, नाउ का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, बट टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। होता क्या है कि आप जब डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखते हैं, नाउ जो लगाते हैं, तो नंबर में हमारा डेट होता है और डेसिमल में हमारा टाइम होता है। तो मोड फॉर्मूला क्या करता है, इसमें से डेसिमल अलग कर लेगा। कब? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उसका शेष फल 0 आता है, लेकिन अगर नंबर डेसिमल में हो तो शेष फल डेसिमल आता है। ये तो बोले सो, ये तो छोटी सी चीज है, तो हम ऐसे भी राउंड से भी कर सकते थे। तो चलिए एक और चीज बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, इसी डेटा को मान लेते, राइट? मुझे इस डेटा का हर तीसरा पार्ट लेना है, हर तीसरी रो लेना है, पहला दूसरा तीसरा रो लेना है, ठीक है ना? पहला दूसरा तीसरा रो लेना है, तो कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम रो का फॉर्मूला लगाएंगे। रो का फॉर्मूला क्या करेगा, हमें सीक्वेंस नंबर दे देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, राइट सर? अब इसी में मैं 3 से डिवाइड करके मोड निकालूंगा। तो 3 से जब नंबर डिवाइड होगा तो मोड क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, हम 0 को फिल्टर कर लेंगे। ओके। तो अगर आपको एक सिंपल सा मोड जो मैं बताया कि शेषफल निकालता है, अगर इसी को छोड़ दिया जाए तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो करके क्या करेगा। और इसके मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे प्राइम नंबर निकालना होगा आपको कि प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि एक्सेल में आपके पास ऑड नंबर है, ऑड के लिए फॉर्मूला है, इज ऑड के लिए, इज इवन के लिए फॉर्मूला है, राइट? राइट, इज ऑड के लिए फॉर्मूला है कि हाँ ये ऑड बता देगा, इज इवन के लिए भी है, ए इज इवन बता देगा कि इवन है या ऑड है, बट इज प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर समझते हैं क्या होता है, अभाज्य संख्या, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, खुद से या किसी और से डिवाइड ना हो, तो वहां भी हम मोड का यूज कर देते हैं। तो ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन ये सब चीजें तो भाई मैथमेटिकल हो गई, इतना ट्रिकी हो गया, इतना कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा काम जो रियल लाइफ में यूज होता है, चलिए वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने एक सेल पे 30 लिखा, दूसरे सेल पे मैं लिखता हूँ 20। अगर मैं 30 को कॉपी करके 20 के ऊपर पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, 30 रिप्लेस कर देगा 20 को। अगर इसी में हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए, सॉरी माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ हमारे सामने होता है ऑपरेशंस। क्या होता है ऑपरेशंस? ऑपरेशंस में हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया डिवाइड, तो क्या होगा कि 20 को 30 डिवाइड कर देगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐड, तो 20 को 30 ऐड होके 50 रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो
आपने जाना कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हम ऑपरेशन में कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो जहाँ से कॉपी होता है और जहाँ पे पेस्ट होता है उन दोनों के बीच में वो कैलकुलेशन होके रिजल्ट फाइनली पेस्ट हो जाता है, ठीक है सर? ठीक है सर, अब ये हो गई मान लीजिए बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल में मैं पढ़ा कोई पढ़ाएगा तो ऐसे पढ़ाएगा, लेकिन आप मेरी क्लास में आएंगे तो मैं इसको कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा डेसिमल ए परसेंटेज के बारे में कि अगर मुझे अगर मान लीजिए 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल लेके एन रिप्लेस करूंगा तो 20% का। लेकिन आपने 20 टाइप कर दिया, बाद में इसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 1 = क्या होता है 100%, मतलब बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 लिखना होगा। समझ गए? समझ गया। अब यही प्रॉब्लम थी कि हमें एक डेटा भेजते थे। अब मैं यहाँ रैंक बिटवीन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ रैंडम डेटा के लिए, ठीक है सर? ये फॉर्मूले मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। तो रैंक बिटवीन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके हिसाब से ये 86% है, बट मेरे हिसाब से 86 नंबर अगर परसेंट करूंगा 86,000% आ जाएगा। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे 500 का 86% निकालना है और 86% परसेंट सिंबल में है तो जस्ट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट 86 इन द नंबर फॉर्मेट में हुआ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, तो हमें अपने फॉर्मूला में एडिशन करना पड़ेगा डिवाइड बाई 100। अभी एडिशन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा इसी एक डेटा से कनेक्टेड नहीं है, कई सारे डेटा से कनेक्टेड है जहाँ पे मोस्टली परसेंटेज में तो मुझे ज़रूरत है यही बेस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की। तो मेरे पास परसेंटेज में कन्वर्ट करने का दो तरीका है। पहली तरीका यह है कि मैं एक एक जाऊँ डबल क्लिक करूँ और परसेंटेज लगा के एंटर प्रेस करूँ, है सर? लेकिन छोटे डेटा में अभी तो चलो थोड़ा सा डेटा है 10-20 है तो आप कर लोगे, लेकिन जब 10-20 हज़ार होगा तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा। क्या सर होगा पॉसिबल? हाँ सर, नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसको 0.86 में कन्वर्ट कर दूँ, 0.74 में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके इकट्ठा परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूँ, बट करूँ कैसे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी ए वाली मेथड जिसको मैंने बोला कि बेसिक था। यहाँ मैं 100 टाइप करूँगा और कॉपी करूँगा और पूरे एरिया पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ क्या करूँगा डिवाइड। हर नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा सिलेक्टेड कॉलम रोज एंड कॉलम विथिन सेकेंड में एक सिंगल क्लिक में कन्वर्टेड टू नंबर टू डेसिमल। समझे सर? समझ गया। और ये डेसिमल में हमारा कन्वर्ट हो गया। समझ गया। क्लियर है सर? क्लियर सर। सर देखिए, आप कंपेयरिंग करिए कि जो चीज सेम चीज मैंने आपको यहां बताया और सेम चीज मैंने आपको यहां बताया, तो जो सीट फाइट का एग्जांपल है ना, ये कोई ट्रेनर आपको बता देगा बड़ी आराम से। और सीट सिक्स का जो एग्जांपल है, पर सीट फाइव का एग्जांपल ये वाली है, कोई ट्रेनर आराम से बता देगा कि कौन सा फीचर कैसे हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम उसको ऑफिस में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल ही बता पाएगा सही तरीके से, क्योंकि हमने इसको झेला है अपने ऑफिस में। समझ गए सर? समझ गए। तो एडवांस एक्सेल यही होता है कि हम चीजों को अपने काम के हिसाब से तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं ताकि उससे हमारा काम आसान हो जाए। हमारा पूरा फोकस होता है काम को सिंपलाइज करने पे।
ठीक है ना। मतलब कि मेरा ये मानना है कि जब मेरे पास कंप्यूटर है, एक्सेल है, फिर मैं मैनुअल काम क्यों करूं, समझ गया ना। और ये हमारे इससे एक हमारी एक कहावत याद आ जाती है। अब ये कहावत कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति ने बोला है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये चाणक्य ने कहा है, कि अगर किसी किसी भी काम किसी भी कठिन काम का आसान सरल रास्ता निकालना है तो उसको कामचोर को दे देना चाहिए, समझ गए। तो ऑटोमेशन समझिए तो यही है, हमें कामचोरी करनी है, मतलब कि हमें खुद काम नहीं करना है, लेकिन 100% रिजल्ट और 100% एक्यूरेसी भी चाहिए होगा, मतलब कि समझ हम गया। ऑटोमेशंस कर देंगे, हर काम को ऑटोमेटिक कर देंगे, समझ गए। समझ गया सर। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है ऑटोमेशंस के ऊपर में, कि हाल फुल्ली ऑटोमेशन होता क्या है। तो बेसिकली क्या था कि मुझे एक रिपोर्ट डेली बनानी पड़ती थी, पर डे मुझे एक रिपोर्ट बनाना पड़ता था। उस रिपोर्ट के लिए डेटा आया करता था मेल पे, तो मेल पे डेटा आता था, उसको हम इस डेटा फाइल को सेव एज करते थे, फिर उसके ऊपर हमारा एक समरी रिपोर्ट बनता था। रिपोर्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ बनाने में आधे घंटे का टाइम लग जाता था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बन जाता था। पर हर दिन मुझे इंतजार करना पड़ता था कि अब रिपोर्ट आएगा, अब रिपोर्ट आएगा, अब रिपोर्ट आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जब कोई हम लोन अप्लाई करते हैं तो हर 2 घंटा पे चेक करते हैं अप्रूव हुआ कि नहीं, अप्रूव हुआ कि नहीं क्या। हालांकि मैंने अभी हाँ तक कोई सर, लोन अप्लाई किया नहीं है, लेकिन हाउस लोन भी नहीं अप्लाई किए, होम तो उसी तरह से लोन भी नहीं हम हर अप्लाई किया बार क्या? आउटलुक को रिफ्रेश करते रहते थे, रिफ्रेश करते रहते थे कि अब मेल आएगा, अब मेल आएगा, अब मेल आएगा। अगर वो काम आपका लास्ट का हो, मैंने उस काम को खत्म करके घर जाना हो, तो और बड़ी चिंता हो जाती थी। करेक्ट। पता तब मैं क्या करता था, मैंने क्या किया था, हमने एक ऑटोमेशन किया था, मतलब कि जैसे ही आउटलुक में एक कोडिंग की, कि जैसे ही आउटलुक में एक रिपोर्ट हमारा एक एक आउटलुक में किसी मेल आईडी से किसी सब्जेक्ट लाइन और अटैचमेंट के साथ मेल आएगा, मेल आते ही क्या होगा, फोल्डर मेल पे चल आते जाएगा। ही वो उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में डाल देगा और हमारी एक रिपोर्ट वाली फाइल को ओपन कर देगा। तो ये आउटलुक का काम इतना था, समझ गए, कि एक पर्टिकुलर मेल आईडी से एक सब्जेक्ट लाइन और एक अटैचमेंट के अकॉर्डिंग भी मेल आया, तो मेल आते ही क्या करे, उसके अंदर जो अटैचमेंट है उसको एक फोल्डर में सेव कर दे और हमारी एक रिपोर्ट फाइल को ओपन कर दे। ये आउटलुक का स्टेज वन था। अब स्टेज टू था कि जैसे ही आउटलुक हमारा ओपन होगा, तो जैसे ही हमारा फाइल ओपन रिपोर्ट फाइल ओपन होगी, वो फटाफट फटाफट उसकी डेटा को लेके रिपोर्ट बना दे, ठीक है, और रिपोर्ट बना के सारे फाइल्स एक फोल्डर में सेव कर दे। और सेव करने के बाद फिर एक तीसरा फाइल ओपन होगा जिसको मेल में अटैच करके मेल ओडी पे सारा सब कुछ लिख कर डाल कर जो सब मेल होता है वो मेल कर देगा, ओके, समझ गया। समझ गया। तो यही यही सब सीखना था हमको एक्चुअली। तो उससे हुआ क्या, मैं आराम से बैठा रहता था शाम में, अगर मुझे अगर जल्दी निकलना है, सिस्टम ऑन कर दिया, सिस्टम में शेड्यूल लगा दिया कि 5 घंटा बाद 4 घंटा बाद सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, या स्लीप मोड में चला जाए, या फिर लास्ट में हमने बोल दिया कि भाई देख लेना थोड़ा सा रिपोर्ट बंद कर दे, अरे पीसी बंद कर देना जो सबसे लास्ट में जाता है उसको, और हम आसानी से पीसी ओपन करके आउटलुक ओपन करके निकल गए। और बॉस को इस बात को पता ही नहीं है, बॉस के बाद धराधर धराधर 5-7 रिपोर्ट जा रहा है, वो भी शेड्यूल के साथ लगा है कि हर 5 मिनट पे जाएगा। बॉस देख रहा है कि बंदा 8 बजे तक काम कर रहा है, हम तो घर पे बैठ के आराम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, समझ गए। तो ये सब चीजें यही यही सब किससे सीखना हुआ, था। ये सब चीजें हुआ है हमें स्किल से। और सब बोले ये सब बीबीए से हो जाएगा, तो नहीं, सब बीबीए से अगर करेंगे तो मुश्किल होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने हम एक रिपोर्ट अभी ओपन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट दिख रहा है आपको सर। अब हाँ इस रिपोर्ट में
चलो VBA से हम डेटा को डाल देंगे, हम इसमें अपडेट कर देंगे, हालांकि फॉर्मूला लगा हुआ अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह भी VBA से थोड़ी बनेगा सर, इसके लिए तो एक्सेल स्किल्स चाहिए ना। अगर VBA से बनेंगे तो बहुत लंबा कोड करना पड़ेगा, बहुत लंबा कोड, और हो सकता है कि कोड थोड़ा सा कोड इधर उधर हो गया तो हो सकता है यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाए, क्योंकि पिक्सल्स होते हैं ना सारे, और पिक्सल्स व्यू के हिसाब से चेंज होते हैं। मेरा व्यू जैसा है, मेरे जो पिक्सल्स है, मेरे रेशियो है, उसके हिसाब से पिक्सल चेंज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट उस हिसाब से उसका पोजीशन चेंज करेगा। तो हर काम VBA से नहीं होता है, VBA काम वहाँ पे होता है जहाँ पे, देखिए VBA की हम बात करें तो VBA का यूज बेसिकली जो होता है दो कंडीशन में होता है, रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब। ऐसा काम और ये ऐसा काम जो हमें करना एक ही बार है, लेकिन इतना लेंदी है कि अगर हमने उसको किया तो हमें घंटों हमारा जो इस पर खर्च हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कोर्स की तरफ, तो बेसिकली जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके अंदर है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, मतलब कि एक्सेल के जितने भी इनबिल्ट फीचर्स है फॉर्मूले के साथ। अब मैं सारा फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मोर देन 300 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप कॉस थीटा साइन थीटा का मान जाने क्या कीजिएगा, यूज नहीं होगा। ऐसे आपके आपके इंजीनियरिंग फॉर्मूले हैं, ऐसे आपके क्यूब फॉर्मूले हैं, तो ऐसे फॉर्मूले को इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके लिए फिर आपको पूरा मैथमेटिक पढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं पूरा, मान लीजिए मैंने आपको डिप्रिसिएशन के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो अब क्या होगा कि मुझे पूरा डिप्रिसिएशन शुरू से पढ़ाना होगा, मैथ की क्लास शुरू करनी होगी। और शायद ही कोई कहेगा सर मैथ की क्लास से मुझे मज़ा आता था, कुछ एक बचा होगा, 100 में से 5 बच्चे भी पुर जाए बहुत है जो बोलेंगे सर मैथ में तो मजा आता है। क्या सर आप किस में से थे, मैथ में मजा आते हैं या फिर सजा वाले में से थे? नहीं, जब स्कूल में सब इंटरेस्ट नहीं था, बट अभी मैथ्स में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अलग चीज होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैथ, अगर मैथ की क्लास लगे तो अंदर से एक बहुत कम बच्चों के अंदर में ये होता था कि चलो मैथ की क्लास है। नहीं नहीं, वो मैक्सिमम हमको भी इंटरेस्ट नहीं था उस समय जब स्कूल में था, मैक्स हमको भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही बच्चे बोलेंगे सर मैथ लेके बैठ के बड़े मुश्किल से तक कॉलेज स्कूल में पीछा छूटा है। नहीं सर, सब मेरा रिक्वायरमेंट जैसे आप बोले उसी लाइन पर है, मोस्टली अक्रॉस ऑटोमेशन रिपोर्ट्स का बनाना, और हम ये लेके नहीं चल रहे कि सब हम VBA में ही करेंगे, इसलिए हम एडवांस एक्सेल भी आपसे। तो VBA प्रोग्रामिंग, VBA प्रोग्रामिंग का जो काम होता है ना सर, सिंपल सी बात समझ लीजिए, रिपीटेड जॉब और लेंदी जॉब में होता है, लेकिन कब? जब वो काम एक्सेल से ना हो, समझ गया ना। देखिए VBA यूज करने के लिए हम सबको सलाह नहीं देते, रीजन ये है कि VBA से बनी हुई फाइल बहुत सारे कंपनीज में नहीं वर्क करे। जैसे मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनाया, उस पर बहुत सारे VBA मेथड यूज कर दिया, किसी को अपने 50 लोगों को भेजा, तो 50 लोगों में से 40 लोगों के पास VBA अनेबल नहीं होगा, माइक्रो सिक्योरिटी हम डिसेबल होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट डिसेबल करके भेजता है। अब वहां पे जाते हैं, वहां पे उसको सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा, अनेबल माइक्रो करेगा। अब उनको पता है तो कर लेंगे, लेकिन बहुतों को पता नहीं होगा तो सीधे बोलेंगे भाई तुम्हारा फाइल खराब है, फाइल में वायरस है, पहली थिंग हो गई। दूसरी थिंग होती है कि बहुत सारे जो है वो मोबाइल से ही या टैब से ही आपकी रिपोर्ट को देख लेते हैं, ज़्यादातर जो बाहर ट्रेवल करते हैं, फील्ड में रहते हैं, या क्लाइंट टू क्लाइंट विजिट होता है, सिस्टम एबिलिटी नहीं है, तो वो लोग मोबाइल पे ही आपकी रिपोर्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आपके ऐसे जो चीज़ें हैं आपके पास, वो रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे क्योंकि VBA वेब पे चलता नहीं है। इसलिए हमारा फोकस सबसे पहले एडवांस एक्सेल पे होता है। एडवांस एक्सेल जिसका मैंने आपको PDF भेजा है आपको, उसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन आपको 2 महीने के आसपास, मैं 1.5 महीने से 2 महीने मानिए ना, 1.5 से 2 महीने इसको लगेगा।
ये ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल पे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी। अब मंडे टू फ्राइडे बहुत लोग बोलते हैं सर सैटरडे संडे दे दीजिए, ठीक है सैटरडे संडे हम दे देंगे, और सैटरडे संडे देने में मुझे तो बेनिफिट है। अब सारे स्टूडेंट सैटरडे संडे को पढ़ेंगे तो मंडे टू फ्राइडे तो हम आराम से किसी वेकेशन पे जा सकते हैं हर हर हफ्ते क्या, या कोई जॉब पर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सैटरडे संडे क्योंकि ये स्टडी है पढ़ाई है और आप कोई सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कि बाकी लोग पढ़ते हैं। सर एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक कॉल। हाँ भैया, तो रोटेशन रोटेशन भी होते हैं। अच्छा अच्छा लगा ना आपने हिसाब से देख लो, तो ये लाख कुछ मना कर दिया कर लो आते आज अच्छा लगा जो जितना बच लो समझा दो ठीक। हेलो सॉरी सर, तो सैटरडे संडे में होता क्या है कि आप जो है प्रैक्टिस जो है सबसे पहले क्या होता है एक्सेल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स नीड ए प्रैक्टिस, सिंपल सी कहावत है। तो अगर आप एक्सेल में अगर डेली आप आधा घंटा, आपके पास टाइम नहीं है आधा घंटा आप क्लास लीजिए, एक घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट, तो ये आपके लिए काफ़ी है। और डेली जो आप सैटरडे संडे जो 3 घंटा पढ़ेंगे उससे बेटर है कि आप डेली 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप डेली आधा घंटा का क्लास लेंगे तो ज़रूर है कि आधा से 1 घंटा आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब सैटरडे संडे क्लास अगर 2-2.5 घंटा लेंगे, 2-2.5 घंटा लेंगे तो एक तो स्पीड अप क्लास होगा, 2.5 घंटे में इतना चीज़ सिखा दूंगा कि आपके लिए मैंने 10-20 घंटा प्रैक्टिस का कम पड़ेगा, समझ गए ना। और आप प्रैक्टिस भी क्या करेंगे सैटरडे संडे ही करेंगे पहली चीज। अच्छा ठीक है आप बहुत सिंसियर है आप सारा मेकअप कर लेंगे लेकिन गैप आ जाएगा। अब हो सकता है अब आप भी है क्योंकि 1 हफ्ते की बात तो है नहीं, तो कई हफ्ते चलेगा। हाँ बहुत हफ्ते हाँ नहीं है मुझे डेढ़ मुझे कब हो रहा है बात कर रहे सुनिए ना क्लास में आती पूरा जो अच्छा लगा सर कर सर आवाज आ रहा है ठीक। हेलो सर आवाज आ रही है सर। तो गलती से माइक के म्यूट बटन पर प्रेस हो गया था। तो सर मैं हमें बोला था कि सैटरडे संडे में ऐसा होगा कि एक हफ्ते का तो है नहीं, ये तो कई हफ्ते चलेंगे कई महीने चल सकते हैं। तो किसी हफ्ते आपकी तरफ से छुट्टी हो गई, ऑफिस जाना पड़ गया, शादी अटेंड करना पड़ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, बच्चे का मुंडन करवाने जाना पड़ गया, कहीं भी जाना पड़ सकता है, दोस्त ने कहीं और का प्लान कर लिया, तो या रात कितनी चढ़ गई कि सुबह उतरी नहीं, तो बहुत सारे फैक्ट है कि आपने क्लास नहीं लिया। अब क्लास नहीं लिया तो आपके पास 15 दिन का गैप हो गया ना। ये प्रॉब्लम आपके साथ है, वही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हो सकती है क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ और मैं भी फैमिली के साथ हूँ। अब मैडम को लेके शॉपिंग में नहीं गया तो हो सकता है कि वो भी उसे आदमी खाना बंद कर दे। तो इसलिए वीक डे पे मैं प्रेफर करता हूँ, पर लास्ट ऑप्शन हमारा होता है सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में 3-4 क्लास लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लेता हूँ, 3-4 क्लास लेता हूँ। और आपकी भी क्लास सैटरडे संडे होगी जो आपकी लेंथी क्लास होगी, रिविजन्स क्लास होंगे या फिर जिस टॉपिक को रिपीट करना है वो क्लास होगी, वो हम सैटरडे संडे को ही लेते हैं। सैटरडे संडे को हम 4-5 क्लास लेते हैं, लेकिन अगर सारी क्लास सैटरडे संडे को लेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी हो सकती है। इसलिए हम स्टूडेंट को हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप 30 मिनट्स क्लास लें।
क्योंकि सर एक कोई डिग्री वाली क्लासेस नहीं है जो आपने कॉलेज में ली कि भाई सेमेस्टर बाय सेमेस्टर खत्म करो, एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ो और परीक्षा दे दो। 100 में से 100 कुछ लोग जो है 40 पे संतुष्ट हो गए, कुछ 60 पे, कुछ 80 पे रोए। वो भाई चीज़ तो है नहीं। बाद में यूनिवर्सिटी ने एक लंबी सर्टिफिकेट पकड़ा दी और आपने जो चीज़ें सीखी वो आधी चीज़ें तो पहले ही भूल चुके हैं, एग्जाम खत्म होने के पहले ही भूल चुके हैं। इसको तो आपको अब ऑफिस में इम्प्लीमेंट करना है ना सर। जितना इस पर अच्छा होगा उतना अपना काम करेंगे, क्योंकि बॉस आपको ये नहीं कहेगा कि भैया ये जो रिपोर्ट तुम मुझे बना कर दो, अब इसके लिए तुम VBA इस्तेमाल करो या एक्सेल इस्तेमाल करो या कुछ और इस्तेमाल करो, उससे क्या लेना देना है। उनको तो टाइम पे रिपोर्ट चाहिए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। क्या सर आप कैसे बना के दे रहे हैं इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या अब नहीं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब। हाँ, अगर आप जो है वो क्या बोलते हैं स्पीड वाली गोली खा ली आपने और इसको आपने मैनुअली 10 मिनट में बना दिया, तो क्या जरूरत है आपकी बीवी की? बहुत से तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके पास स्किल्स होगा तो मेहनत किसकी बचेगी? आपकी बचेगी ना। अगर आपके पास ऑफिस में रिपोर्ट बना, इस जो डेली बेसिस की रिपोर्टेड है, रिपीट रिपोर्टेड अगर टाइम पे बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो बाकी नए चीज़ों पे आप नए डेटा पे एनालिसिस करने में और उसके नए चीज़ ढूंढने में टाइम देंगे ना। और घर आएंगे तो स्ट्रेस भी नहीं रहेंगे, काम करने में मज़ा भी आएगा आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी वर्किंग लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल पे ही काम करते हैं तो ठीक है। तो टाइमिंग के डिस्कस कर लेते हैं।